जिला पठानकोट के हल्का भुआ के गांव कटारूचक में स्थित चटपट बनी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहां लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। वहीं आज इस 1600-1700 साल पहले अपने आप तैयार हुए जंगल में मंदिर में एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ था। बता दें कि जंगल में एक हरे भरे आम के पेड़ पर अपने आप धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां किसी ने धुना जला रखा है। भक्त भी इसे भगवान का करिश्मा मान रहे थे, वे माथा टेक रहे थे। भक्तों ने कहा कि यह चमत्कार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है कि इस पेड़ पर धुआं निकल रहा है। उधर एक व्यक्ति ने बताया कि वह कुछ दिन पहले इस आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ने लगा था कि उन्हें यह चमत्कार दिखा, जिसके चलते उन्होंने मंदिर के नाथ को इस संबंधी बताया। और वहीं जब इस संबंध में मंदिर के नाथ से भी बात की गई तो उन्होंने भी इसे कुदरत का करिश्मा माना, वे भगवान का चमत्कार बताया। वे कहा कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहां आए दिन कोई ना कोई करिश्मा होता ही रहता है। और वहीं इस संबंधी जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह एक पुराना जंगल है जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे हैं। यदि किसी पेड़ से धुआं निकलने जैसी घटना सामने आ रही है तो इस जंगल की मिट्टी का सोयल टेस्ट करवाना होगा, जिसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो असी राती आए सी तो बाबा जी ने बोलिया सवेरे ना सेवा ते आयो। असी हुण आया तो सानू अचानक ही पता लगा भी इत्थे ना वृक्ष दे विचों कुछ अलौकिक मतलब कि परमात्मा तो तरफ मतलब कि चमत्कार भी निकल रहा। असी वेख्या सच्ची मतलब कि दर्शन करन दी जगह आ, पहली बारी वेखी है चीज़। देखिया अंब दे पेड़ दे विचों धुआं निकल रहा, कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है जिसे धूफ दिखाया होंगे किसी ने, इस तरह भी 24 घंटे धुआं निकलता वे आ रहे हैं सारे, मतलब कि देखने वास्ते सारी जनता, मतलब कि जिन्हों जिन्हू पता लग रहा सारे आ रहे हैं। सानू भी अज ही पता लगे चटपट बनी और इतिहास बाबा चरपन आई का वन है जो मैं देख लिया है अपने, ये हजारों साल पुराना वन है, लगभग 1600-1700 साल जो पुराना वन है जो बाबा चरपन आई में तपोबल से एक रात में इतने खड़ा कर दिया था। और जहाँ चंबा कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि दरख्त के साथ एक ऐसा कोई चीज़ अद्भुत चीज़ लगी हुई है, ना जाने में क्या चीज़ है। और उसके 24 घंटे जैसे हमारा धुना चलता है खंड, ऐसे ही यहाँ से धुनी निकलती रह रही है। और काफ़ी सर्च अभियान करने के बाद भी आज तक पता नहीं चला भी इसमें क्या चीज़ है। तो काफ़ी लोग देखने को यहाँ आ रहे हैं तो मैं भी यह देख रहे हैं कि ऐसा क्या चीज़ है, कभी पहले ऐसा देखा नहीं है। और भी कई तरह के प्रकार के जहाँ से चंबे अक्टूबर देखते रहते हैं कभी कभी। तो क्या मानते हो बाबा, आप क्या मानते हो ये भगवान का कुदरत का करिश्मा है? ये हाँ ऐसा भी होता है जहाँ को ना को इसके साथ को लाइट है, ना को तार है, ना अग्नि चेतन की हुई है, ये तो कुदरत का ही करिश्मा मान दो देखने में रहा। तो कंटिन्यू जो का धुआं निकलता आ रहा है, इसका कुछ समझ नहीं आ रही इसमें क्या चीज़ है। देखिए ये बहुत पुराना एक फॉरेस्ट है, मिनी फॉरेस्ट है, और जिसको हम लोग सेक्रेट ग्रुप अपने साइंटिफिक टर्म में सेक्रेट ग्रुप बोलते हैं, और इसकी अपनी अलग मान्यता है। बट अगर हम साइंटिफिकली देखा जाए तो किसी आम के पेड़ से, वो भी जो ग्रीन स्टैंडिंग पेड़ है, उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी उस जगह का सॉइल कैरेक्टर, सॉइल बिहेवियर, इसको स्टडी करने से ही हमें आगे कुछ रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने बोला, अपने स्टाफ को बोला कि वहाँ के सॉइल सैंपल लेके हम टेस्ट करा लेते हैं और फिर बिहेवियर देखते हैं, मैंगो ट्री का बिहेवियर सॉइल से क्या मैच करता है कि नहीं, उसके बाद ही हम कुछ इस पे कंक्रीट हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।